हाय एवरीवन, दिस इज हर्षित सक्सेना। मैं एक चीज आज आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ जो बहुत ही जरूरी है। मैंने कभी इस तरह के प्रमोशनल वीडियोस नहीं किए हैं, कभी मैंने कोई ऐसी वीडियोस नहीं डाले हैं। मैं तो आई थिंक गानों के भी वीडियोस अपने जल्दी नहीं डालता हूँ, और ताकि आप लोग ऐसा कुछ सोचे कि ये कुछ प्रमोशनल या प्रमोशन के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को फील हुआ, और ये मैं बहुत दिन से ये चीज देख रहा हूं, काफी दिन आज हो गए हैं। मतलब मैं क्या बोलूं यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये तो क्रिकेट है ना। आप लोग इस क्रिकेट को क्रिकेट से ऊपर लेके चले जाते हो, क्या कर रहे हो आप लोग? आज सुबह से मैं मैच देख रहा था, सुबह से इस वक्त तक आई थिंक हमने कम से कम 10 घंटे अपने मैच में दिए, सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के। लेकिन आज इंडिया हारा, मेरे को बहुत दुख हुआ। यहाँ तक कि हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग बैठे थे, हमको एक दो तो इतने डिसहार्टेंड हो गए कि जैसे कि पता नहीं उनकी दुनिया उजड़ गई या क्या हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ हमको भी, मेरे को भी बहुत दुख हुआ है। मैं भी आज लिटरली एक मोमेंट पे हम लोग रोने लग गए थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम इंडियन ऐसे हैं? इंडियन हम लोग कैसे हैं यार? हम लोग लोगों की इज्जत करते हैं, हम लोग लोगों को हमारा, हमने कभी किसी की हम बेइज्जती नहीं करते थे। लेकिन अभी इतने दिनों से मैं देख रहा हूं, जब से वर्ल्ड कप चालू हुआ है, कंटिन्यूअसली वीरेन सहवाग बैठते हैं, वो बांग्लादेश को पोता बोलते हैं, फिर पाकिस्तान को बेटा बोलते हैं, फिर उनके साथ और 4 पैनलिस्ट बैठे होते हैं, वो अलग उनकी बेइज्जती करते हैं। उसके बाद मैं कोई भी न्यूज चैनल अगर खोलता हूं, हर न्यूज चैनल में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लिटरली इरिटेटेड हो गया हूं, और मैं लिटरली ये चीज मैं देखता हूं। आज भी कविताएं पढ़ रहे हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया को सामने बैठा ले हो, उनके सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हो कविताएं पढ़ पढ़ के। आपको लाहौर याद आ जाएगा, आपको वो ऐसा कर देगा, आपको वो वैसा कर देगा। और मैं इतने दिन से एक ही चीज मैंने नोटिस करी कि जितना मैंने पाकिस्तान को देखा है, वो मोस्टली एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उनमें से किसी की तरफ से भी कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया कि ये कोई हार्श कमेंट उन्होंने पलट के दिया हो, जबकि सामने सामने इंटरव्यूज हो रहे हैं। वीरेन सहवाग शोएब अख्तर को पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के लेके बोल रहे हैं, वो पोते हैं, वो तो कभी जिंदगी में, हम जब हमने बड़ी टीमों को हरा दिया तो क्या करेंगे आप, ये वो, पाकिस्तान तो बेटा है, पाकिस्तान को हराना हमारे लिए क्या है। और उसका जवाब में शोएब अख्तर हर बार यही बोल रहे हैं, हर बार एक ही चीज कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैच अच्छा हो, मैं चाहता हूं कि रिश्ते अच्छे हों, मेरे को हिंदुस्तान में बहुत प्यार मिला है। आप ये बताइए, शोएब अख्तर क्यों नहीं ऐसे कमेंट पलट के वीरेन सहवाग को दे रहे हैं? और हमारे न्यूज चैनल वाले, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं कि किस हद तक, पता नहीं कौन कौन, आई थिंक कुछ लोग तो ऐसे अनपढ़ गवार लोग बैठे हुए हैं जो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप किसी को, हम इंडियंस, मैं खुद एक इंडियन हूं, और मैं बहुत गर्व करता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मैं भारतवासी हूं। लेकिन क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि हम जाके दूसरे लोगों की बेइज्जती करें? जो इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है, हम उसकी बेइज्जती करें? क्या हम लोग ऐसे हैं? हम लोग क्योंकि हमने क्या ये सब चीजें हमने सीखी हैं अपनी जिंदगी में? क्या हमने नहीं सीखी हैं ये सब चीजें यार? बॉर्डर पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करता हूं, हमारे जवान जो दिन भर हमारे लिए पता नहीं कितनी जाने दे रहे हैं, कितनी हमारे लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट जैसा आप लोग रहने दीजिए। एक गेम होता है, आज अगर एबी डिविलियर्स है, वो भारत आता है, तो हम लोग एबी डिविलियर्स को कोहली के बराबर रख के हम लोग उसके नाम को कितना चैंट करते हैं। हम स्टेडियम में जाते हैं, हम एबी डिविलियर्स की बैटिंग हमको पसंद है, हमको क्रिकेट पसंद है, हम लोग क्रिकेट प्रेमी है। क्रिकेट मेरा मेरा मेरे लिए ऐसा है, मेरे को क्रिकेट इतना पसंद है, बचपन से मैं क्रिकेट खेला हूं, और अभी भी अगर म्यूजिक के बाद कोई दूसरी चीज मैं करता हूं तो क्रिकेट देखता हूं, मेरे को इतना पैशन है। लेकिन हम लोग क्रिकेट से हटके ही अलग लीग में बात करने लग जाते हैं, और पता नहीं क्यों, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती, ये वही वाला सीन हुआ है आज, कि हम किसी को इस हद तक दबाएं, हम किसी को इस हद तक मतलब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, जबरदस्ती का, जबरदस्ती का। अरे आप क्रिकेट पे बात करो ना, अगर आज पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग नहीं भी थी, पाकिस्तान की टीम इनएक्सपीरियंस थी, तो भी आप क्रिकेट मैरिट्स पे आप बात करिए ना,
आप क्या बातें कर रहे हो, हम लाहौर दिखा देंगे तो हम पानी पिला देंगे तो उनको पेशावर याद आ जाएगा, तो उनको ये आ जाएगा, ऐसी ऐसी कविताएं बुला रहे हैं, और उसी में जो सामने मीडिया बैठी है पाकिस्तान की, वो पलट के एक चीज भी नहीं बोल रही है, एक चीज। अगर वो भी हमको सामने से रिवोल्ट इस तरह से कर रहे होते तो शायद मैं ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन वो हमको पलट के एक बार भी ऐसा कोई भी रिवोल्ट नहीं कर रहे, कोई भी हार्श कमेंट नहीं कर रहे, ना ही वहां के क्रिकेटर्स, ना ही वहां के लोग, ना ही पाकिस्तानी मीडिया। हमारे जो इंडिया में जो जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं, आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूं। आज इंडिया हार गई है तो आप सबको विलन बना देंगे, कोहली भी विलन हो जाएगा, तो युवराज भी विलन हो जाएगा, तो पूरी इंडियन टीम विलन हो जाएगी, तो शायद बहुत दिन तक लोग उनके मैचेस देखना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये कौन सा, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग को हमेशा से, हमारे इतिहास भी आप देखिए, या हमारे आप हम लोग जो भी हम लोग सीखे आए अपने माँ बाप से, हर 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 किसी से, हमें तो इज्जत करना सिखाया जाता है। और अगर अभी हमको कोई ये बोल देगा कि आप जाइए बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़िए, तो आप में से कोई आधे लोग बाहर हो जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा, ऐसे वीडियोस बना बना के सब लोग डालेंगे अपने, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर तो खून है, हमारे अंदर तो ये है, हमारे अंदर तो वो है। तो भाई आप लोग जाइए वहां, जो बेचारे जवान हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए इतनी जाने देते हैं, उनके साथ जाके लड़िए आप लोग। आप लोग क्रिकेट को मोटो क्यों बना लेते हो यार, ये तो क्रिकेट है, ये तो एक गेम है जिसको हम सब लोग पसंद करते हैं दिल से, हम दूसरी टीम को भी उसी तरह से प्यार करते हैं। और मैं सिर्फ बांग्लादेश के लिए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बांग्लादेश के लिए भी बोल रहा हूं, बांग्लादेश पोता है, बांग्लादेश क्या है यार, ये आई डोंट नो, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मेरे को इमोशनली पता नहीं कि वहां दिल में आके लगा कि नहीं यार हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग अपनी ये जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं। आज आप मेरे को ये बताइए, वीरेन सहवाग पे किसी ने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रेस किया, प्रवोक किसने किया, वीरेन सहवाग ने। आपको इस तरह के कमेंट, आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, आपको इस तरह के कमेंट्स देने का क्या जरूरत था, आप क्यों ऐसे कमेंट्स दे रहे हो कि पाकिस्तान तो हमारे बेटे जैसा है, हमने जब उनके सीनियर्स प्लेयर को हराया तो ये टीम क्या है हमारे लिए, ये तो एक प्रैक्टिस मैच जैसा है, हम तो मजाक बना के उनको हरा देंगे, इस तरह के कमेंट्स आप लाइव टीवी पे एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि खुद एक लेजेंड है उसके सामने आप इस तरह की बातें कर रहे हो, और वो आपको पलट के कुछ नहीं बोला, और आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हो। और यही वीरेंद्र सहवाग अभी थोड़े दिन पहले सौरव गांगुली को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या, तो सौरव गांगुली ने भी उनको इस चीज के लिए डाटा, बींग एन इंडियन तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग सही हैं, अगर हमारे लोग भी गलत बात कर रहे हैं या हमारे लोग कोई ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप लोग उनको भी अपोज करिए। राशिद लतीफ ने जो बातें करी, बहुत गंदी बातें करी, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने सही बातें करी, लेकिन प्रवोक तो वीरेन सहवाग ने किया ना, वीरेन सहवाग को भी आपको, अगर आज आप राशिद लतीफ के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आपको वीरेन सहवाग के लिए भी वीडियोस बनाने चाहिए, बिकॉज हम लोग को ये कोई नहीं सिखाता है। आज अगर आपको भी आके कोई, अभी उन लोगों ने अगर वीरेन सहवाग के बारे में बातें करी तो आप लोग का खून खौला, आपको दुख हुआ, आप लोगों ने 50 लोगों ने वीडियोस बना बना के वीरेन सहवाग के लिए डाल दिए, तो क्या उनका नहीं खोलता होगा जब हम लोग उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, क्यों नहीं हम लोग एक ऐसी बातें करते हैं, पूरा देश उठ के लड़ने पे चल देता है, क्रिकेट को क्रिकेट नहीं, आज इंडियन टीम भी पाकिस्तान के साथ खेलती है तो क्या हाथ नहीं मिलाती है, तो क्या उनके साथ खाना नहीं खाती होगी, या उनको अछूत समझती होगी, ऐसा आप लोग, आई डोंट नो। आज जब पाकिस्तान जीती, पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला, मेरे को वो एरा याद आ गया जिस समय वसीम, वकार, शोएब अख्तर, ये लोग जब बॉलिंग करते थे और हमारे प्लेयर्स खेलते थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, हम लोग जब देखते थे तो हमारे दिल ऊपर नीचे होते थे, उनकी बॉलिंग देखने में क्या मजा आता था, सन सन बॉल निकल रही है, वो लोग खेल रहे हैं, बैट्समैन भी ऐसे। आज उन्होंने वो नजारा दिखाया, आज बहुत दिन बाद लगा कि सच में वो पुराना पाकिस्तान याद आया, वो जो उनका एरा था, जो उनका डोमिनेशन था, जो उनका क्रिकेट जिस तरह से वो लोग खेलते थे, और इंडिया पाकिस्तान के जो राइवलरीज होते थे उसमें क्या मजा आता था, वही हम लोग को, चाहे वो 96 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो सब में जो मजा था, वो मजा आज देखने को मिला हम लोगों को। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि क्रिकेट को आप लोग ऊपर रखिए, क्रिकेट की मैरिट को समझिए। आज उन लोग को जब मैं देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो अपने जैसे लगते हैं,
उनके बहुत क्रिकेटर्स के बच्चे उनके गोद में थे, उनकी बीवियां आई हुई थीं, बहुत लोगों की आंखों में आंसू थे, और वही वो ट्रॉफी लेके सारे स्टेडियम में वो घूम रहे थे फ्लैग लेके, जैसे अपने इंडियंस घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जब इंडिया पाकिस्तान नहीं हुआ होगा, जब लोग ये लोग साथ में रहते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, कितना मजा आता होगा। और सच में कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी भी हुई क्योंकि उन्होंने इस तरह से खेला, और उन्होंने अंडरडॉग होके बिल्कुल हमको एक तरफ कर दिया, और हम लोग बेस्ट होके भी हम लोगों ने उनके सामने घुटने टेके। तो इसमें दिस इज क्रिकेट यार, ये सब होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खेला हमको उसकी वाहवाही करनी चाहिए। और वही न्यूज चैनल जो ऐसे ऐसे कविता पढ़ रहे थे, उल्टी सीधी चीजें बोल रहे थे, अनशन बोल रहे थे, जब ये मैच खत्म हुआ तो वो उसमें शिव जी का कोई प्रार्थना का मंत्र चला रहे थे। और अभी अगर इंडिया जीता होता तो वो वापस उनका वो प्रोग्राम चल रहा होता, जो कि नहीं चल रहा था। मैंने सबसे पहले जाके वो न्यूज चैनल देखा कि अब ये लोग क्या बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। किसी को कम मत समझिए, किसी को कमजोर मत समझिए, दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। हर इंसान जिसको भगवान ने बनाया है बेमिसाल बनाया है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। और हम लोग, हम इंडियंस जो हैं, मेरे को, मैं प्राउड करता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, मैं भारत वर्ष में हूं और मैं एक इंडियन हूं। लेकिन उससे ऊपर मेरे लिए चीज है कि हम लोगों की इज्जत करें, किसी को ही हम ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे किसी को हर्ट हो, क्योंकि हम, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं कि हम जाके ये, आप पूरी दुनिया को एक तराजू में क्यों तौल रहे हो यार, मत तौलो। क्रिकेट को हम लोग प्यार करते हैं जैसे हम बाकी कंट्रीज को प्यार करते हैं, जैसे आज रिकी पॉन्टिंग है, ब्रायन लारा मेरे फेवरेट हैं, मेरे को शायद सचिन और ब्रायन लारा में देखो तो सचिन मेरे को एक लेजेंड है, तो ब्रायन लारा मेरे लिए बहुत, मतलब उनसे क्लासी बैट्समैन मैंने नहीं देखा, वैसे ही इनकी टीम में है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग, ये तरह के स्टेटमेंट्स हम लोग पे अच्छे ही नहीं लगते हैं, हम लोग बहुत छोटे दिखते हैं इस तरह की बातें करके। आपको अगर वीडियोस बनाने हैं तो, अगर वीरेन सहवाग ऐसी बात करे तो आप ये ऐसा वीडियो बनाइए कि वीरेन सहवाग को भी पता चले कि इस तरह की बातें ना हो। और ऐसी ही चीज सौरभ गांगुली ने भी वीरेन सहवाग को डांटा कि आप इस तरह के कमेंट करना बंद करिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि मैं और अभी इंडियन को प्लीज विलन मत बनाइएगा, इंडियन टीम को, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और वो बहुत ही टैलेंटेड टीम है। ये सब हार जीत चलती रहती है, आज उनका दिन था, पाकिस्तान ने आज पूरी तरह से आउटप्लेट किया है। और कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे मन में अगर तो दुख है कि इंडियन इंडिया आज हारा है, लेकिन ये भी खुशी है कि आज उन लोगों ने बहुत अच्छे से खेला है। और आप ये सोचिए कि उनकी कंट्रीज में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होते हैं, फिर भी वो इस तरह से उठ के आए हैं। वही होता है ना कि यार कमजोर का, कमजोर के साथ भगवान होता है, आज शायद भगवान ने उनको ये जीत दिलाई है इस तरह से उन्होंने आज खेला है। हालांकि हफीज के विकेट पे बॉल लग के ही बेल्स भी नहीं गिरे, तो आप सोचिए ऐसा कितनी बार क्रिकेट में होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज अच्छे से सब लोग रहिए, एक दूसरे से प्यार बनाए रखिए, किसी के लिए ऐसे कमेंट मत करिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो दुनिया की कोई टीम हो, दुनिया का कोई प्लेयर हो, सबको इज्जत दीजिए, उससे हमारा रुतबा बनता है, उससे हमारी इज्जत बनती है। थैंक यू वेरी मच।